Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. You are watching Solve and Simplify. Please press the subscribe button and the bell icon right next to it so that you can be notified with my new videos and give it a thumbs up if you like my work. In previous video we discussed about the commutative law of addition of matrices. And now we will discuss about the associative law of addition of matrices okay starting with a little example do you can add any two numbers of course you can simply add any two numbers but if you have to add three numbers at a time for example अगर हमारे पास कोई नंबर है, हैं तीन नंबर हैं हमारे पास सिक्सटी फाइव फोर्टी फाइव और थर्टी इनको आपने ऐड करना है इकट्ठे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको ऐड तो कर सकते हैं मगर इकट्ठे हम इसको कैसे करेंगे हम क्या करेंगे हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे जो जवाब आएगा उसमें इसको ऐड कर लेंगे ठीक है ना ऐसे करेंगे ना तो क्या करेंगे पहले हम पहले मतलब कि हमें इन दोनों को ऐड करूँगी ना जैसे मैं इनको रखती हूँ जैकेट यूज़ कर रही हूँ ताकि पता चले कि भाई मैं इन दोनों को पहले सोल्व कर रही हूँ फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा टेन जीरो वन कैरी सिक्स फोर क्या हो जाएगा टेन और वन एलेवन तो ये मेरे पास आ गया इनको का सोल्यूशन ऐसे ही है अब यहाँ से मेरे पास एक आंसर आ गया अब मैं इसको ईज़िली जो नंबर बच गया था तो उसमें ऐड कर लूँगी तो ये वन टेन प्लस थर्टी कितना हो जाएगा हमारे पास वन फोटी ऐसे ही है ठीक हो गया यानी कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि मतलब पहले आप इन दोनों नंबर्स को बेशक ऐड कर, कर लें या आप इस तरह से भी कर सकते हैं यानी कि अगर आपके पास तीन नंबर थे ना तो आप क्या कर सकते थे आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ अगर आपने इस तरह देखना है कि मैं पहले या मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ ठीक है इसको भी मैं वैसे ही रख रही हूँ इसको ऐसे ही रख लेते हैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मैं देखती हूँ कि फिर मेरे पास जो है वो आंसर किस तरह से आता है जब मैंने फोर्टी फाइव को थर्टी में ऐड किया मेरे पास सेवेंटी फाइव आ गया अब सेवेंटी फाइव को सिक्सटी फाइव में ऐड करती हूँ देखती हूँ क्या जवाब आता है ठीक है ना सिक्स और सिक्स क्या होता है ट्वेल्व ट्वेल्व वन थर्टीन और वहाँ से वन कैरिए फिर क्या बन गया फोर्टीन इट्स मीन कि मतलब हम बेशक पहले दो तो नंबर्स को ऐड करके थर्ड वाले में ऐड करवा लें या फर्स्ट वो कोजिटि रख के लास्ट को ऐड करवा के उसको ऐड करवा लें तब भी हमारा जो आंसर है वो एक जैसा ही आ रहा है ऐसा ही है ना आंसर तो हमारा एक जैसा आ रहा है हमने बेशक इस तरह से किया या इस तरह से किया याद रहे कम्यूटिटिवलाम में हमने नंबर्स की जगह चेंज की थी लेकिन एसोसिएटिव इलाम में देखे सिक्सटी फाइव फर्स्ट प्लेस पे था तो यहाँ भी सिक्सटी फाइव फर्स्ट प्लेस पे है फोर्टी फाइव सेकेंड पर फोर्टी फाइव सेकेंड थर्टी लास्ट पे और थर्टी यहाँ भी थर्ड प्लेस पे है तो यहाँ पे फर्क किस बात का है फ़र्क आया है ब्रैकेट्स यानी हमने यूज़ सोल कहाँ से शुरू किया पहले हमने यहाँ से सोल्यूशन किया मतलब इन दो नंबर्स को फिर हमने यहाँ से देख लिया लेकिन हुआ क्या कि हमारा हाथ तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ ऐसा ही है ना इसका मतलब है कि ये जो तरीका है ना कि जो भी हमने तरीका यूज़ किया है जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है ये होल्ड कर रही है कहाँ होल्ड कर रही है अंडर एडिशन एडिशन से किया है ना हमने इट्स मीन कि ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने यूज़ किया ये अंडर एडिशन होल्ड कर रही है और आपको पता है ये प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है ये ऑफ एडिशन ठीक है ना अब अगर अभी हमने सिर्फ इनको नंबर्स पर देखा है फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए था ना ये बी है और ये सी है बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हमने नंबर ले लिए थे तो पहले मैंने ए बी को ऐड किया और उसमें सी को ऐड किया लेकिन इस तरफ मैंने क्या किया बी और सी को पहले ऐड कर लिया फिर इनको दोनों को ए में ऐड किया तो मेरे पास दोनों तरीकों से जो जवाब था वो एक जैसा ही रहा तो ये जो भी प्रॉपर्टी बनी ये आई यूज़ की हमने इसे ही कहते हैं इस इसी ला को कहते हैं एसोसिएटिव ला ऑफ एडिशन लेकिन अभी हमने इसको मैट्रिस पे देखना है क्या पे भी ये वेरीफाई होता है होल्ड करता है या नहीं तो चेक करते हैं ज़रा मेटिसिस पे ओके okay, जी आई कंसिडर एनी थ्री मेटिसज ए बी सी ठीक है मैंने कोई तीन मैट्रस ले लिए ए बी सी क्यों मैंने तीन लिए क्योंकि मुझे तीन मैट्रसे पे काम करना था काम किस लिए करना था क्योंकि मुझे देखना था कि क्या एसोसिएटिव जो लॉ है वो अंडर एडिशन मैट्रेस पे भी होल्ड करता है या नहीं ठीक है तो इसी को देखने के लिए मैंने जो तीन है तीन मैट्रिक्स कंसिडर किए अब क्या करना है मुझे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व करूंगी ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी को हम पहले सोल्व करेंगे ठीक है ए प्लस बी को पहले सोल्व कर रहे हैं बेशक आप इस तरह से मतलब जैसे करते होते हैं कि ए प्लस बी करके जो जवाब आएगा उसमें सी कर लें नहीं करना तो जैसे हमारे पास ये एक बनी है ना साइड इसको मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ ये ब्रैकेट यूज़ करूँगी फिर क्या है ए मैट्रिक्स है ओके ए मैट्रिक्स को रख लेते हैं वो क्या है थ्री ज़ीरो टू वन इस तरह रखेंगे आप तो ईजी है इस तरह से भी ठीक है फिर क्या है प्लस बी मैट्रिक्स है ठीक है बी मैट्रिक्स को रख लेते हैं फाइव टू ज़ीरो थ्री ब्रैकेट क्लोज़ होगी सही होगा अब इसका मतलब है कि मैं मैं पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व करनी हूँ फिर क्या प्लस है अब सी बेशक अभी आप रखें या चाहे ना रखें क्योंकि सी को तो अभी हम इनका सोल्व नहीं ना करेंगे पहले तो इसी को सोल्व करेंगे लेकिन हम सी फिर भी रख लेते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो वन आ जाएगा ठीक है।, है इसको सोल्व करेंगे ठीक हो गया इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा अभी लास्ट वीडियो में हमने बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको बताया था कि भी हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं ठीक है तो आपको समझ आ गई होगी लेकिन अब देखें थ्री प्लस फाइव क्या होता है एट होता है हम इस तरह से भी कर सकते हैं ये बताने लगी हूँ इस वीडियो में कि हम इस तरह से भी करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत नहीं होगा लेकिन अपनी आसानी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करने का वह आसान रहता है ज़ीरो प्लस टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है टू प्लस ज़ीरो टू वन प्लस थ्री फोर आ जाएगा यानी कि मैंने ए और बी को ऐड कर लिया तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गया ठीक हो गया अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या करना है अब मुझे इस मैट्रिक्स को आगे ऐड करना है किस में इस वाले मैट्रिक्स में कर लेते हैं ऐड ठीक है वन ज़ीरो ज़ीरो वन अब ऐड करते हैं इनको और देखते हैं इसका क्या हमारे पास निकलता है आंसर एट प्लस वन नाइन बच्चों मैं ऐड कर रही हूँ लेकिन क्या आपने चेक किया है कि ये जो ए और बी यहाँ मैंने ऐड किया है कम्फर्टेबल थे एडिशन के लिए या नहीं चेक कर लिया आपने ओके यानी चेक करना कैसे था ये देखना था कि ऑर्डर सेम है इनका हाँ जी बिल्कुल टू बाई टू टू बाई टू ऑर्डर तो सेम है इट्स मीन दे आर कम्फर्टेबल फॉर एडिशन कम्फर्टेबल हैं तो हमने ऐड कर लिया अब इन दोनों को ऐड करने लगे हैं तो क्या ये दोनों भी कम्फर्टेबल हैं बिल्कुल कम्फर्टेबल हैं कैसे क्योंकि इनका भी तो ऑर्डर टू बाई टू का ही है ना दोनों का तो इस तरह से हम इनको ऐड कर रहे हैं चेक का आपने लाजमी करना है ठीक है एट प्लस वन नाइन टू प्लस वन ज़ीरो टू आ जाएगा टू प्लस ज़ीरो टू आ जाएगा फोर प्लस वन कितना आ जाएगा फोर प्लस वन होता है फाइव तो ये मेरे पास जो है ये मुझे मिल गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी ओके जी अब लेफ्ट साइड तो सोल्व गया अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं उसमें भी हमें वही मैट्रिक्स में भी काम करना है ठीक है और देखेंगे कि क्या अगर मैं यहाँ पे पहले जैसे मैंने ए और बी को सोल्व किया तो सी में ऐड करवाया अब मैं पहले बी और सी पे काम करने लगी हूँ ठीक है तो ए मैट्रिक्स को मैं वैसे ही अभी रख रही हूँ इसके साथ ए मैट्रिक्स में वैसे ही रखूँगी ये मैट्रिक्स क्या था थ्री जीरो टू वन यहाँ पे आ जाएगा थ्री जीरो टू एंड वन ये अभी एज इट इज ही रहेगा काम इस पर करना है हमें बी और सी पे देखना है कि क्या इन पे काम करना है से भी यही आंसर आता है बी क्या है फाइव टू जीरो थ्री उसके बाद प्लस सी हमारे पास क्या था एक आइडेंटीमेटिक्स वन जीरो जीरो वन चलें जी अब इस पर काम कर लेते हैं ए को हम अभी नहीं छेड़ेंगे ठीक है ना तो ए एज इट इज हम रख रहे हैं इन दोनों पे काम करना है तो क्या करेंगे भई ऐड करना है कंफर्टेबल है बिल्कुल कंफर्टेबल है तो ऐड कर देंगे फाइव प्लस वन सिक्स टू प्लस ज़ीरो टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है इस बात का भी ध्यान रहे जीरो प्लस जीरो जीरो थ्री प्लस वन फोर चलें जी ये हमारे पास आ गया बी प्लस सी का एक मैट्रिक्स क्लियर है अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है अब इस मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है अपने ए वाले मैट्रिक्स में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं देखते हैं क्या जवाब आता है और ये दोनों भी कंफर्टेबल हैं बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इनका भी तो ऑर्डर सेम ही है ना और इनको कभी कैसे ऐड करना है इनकी क्रॉस बॉन्डिंग एंट्रीज को थ्री प्लस सिक्स नाइन ज़ीरो प्लस टू 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 प्लस वन टू प्लस ज़ीरो टू वन प्लस फोर फाइव जी तो भाई यहाँ से हमें अपनी राइट right साइड का सोल्यूशन भी मिल गया जो कि क्या आया है राइट हैंड साइड का सोल्यूशन हमें मिल गया नाइन टू टू फाइव थ्री प्लस सिक्स नाइन जीरो प्लस टू 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 प्लस जीरो टू वन प्लस फोर फाइव अब लेफ्ट हैंड साइड भी हम सोल्व कर चुके हैं हमने राइट हैंड साइड भी सोल्व कर ली तो देखते हैं कि क्या है जो दोनों आंसर्स आए हैं ये सेम है देख लेते हैं नाइन टू नाइन टू टू फाइव टू फाइव एग्जैक्टली बोथ ऑफ दीज साइड्स आर सेम सो वी कैन सेट दस द एसोसिएटिव लॉ

तो इसका मतलब है कि हाँ जी जो ये हमने अभी स्टेटमेंट की थी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वाकई ही वो इसी के बराबर आता है यानी कि हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है ठीक है इस तरह से हमने अपना ये जो है एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ लिया है इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और काम स्टेप बाई स्टेप करना है अच्छी तरह से ठीक हो गया और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे तब तक के लिए आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है कॉम्पिटेटिव ला के प्रैक्टिस भी करनी है ठीक हो गया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है वीडियोज़ को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़